हाय, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। प्रीति राज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं यूट्यूबर बनने आई हूँ और मुझे लगता है मुझे यहाँ भी कुछ यूट्यूबरों को, जो बड़े यूट्यूबर हैं महिला, उनको मेरी ज़रूरत है। यहाँ भी मुझे लगता है कि समाज सेवा करना पड़ेगा। यूट्यूबर बाद में बनूंगी साइड पे, क्योंकि मैं किसी की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चाहे कैसा भी हो इंसान, चाहे वो गलत हो, पर अगर तकलीफ़ में है तो मैं उसकी मदद करती हूँ। मदद करने के लिए मेरी आदत है, मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँगी गोरखपुरिया भौजी की। भौजी शब्द ही मुझे पता है। गोरखपुरिया भौजी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, भोजपुरी गाने पे, अश्लील गानों पे डांस वगैरह करती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, मीन्स कि जो भी हो उनका, पर बेचारी फंस चुकी हैं। फंस चुकी हैं, क्यों फंस चुकी हैं? अपने बड़बोले की वजह से। थोड़ी बहुत उनको जानकारी नहीं है, थोड़ा इसीलिए अपनी बेटियों को लोग पढ़ाते हैं कि अगर वो ऊपर भी जाए तो ऊपर से गिरे ना। इतनी शिक्षा उनके अंदर, इतना ज्ञान होना चाहिए। और नादानी की वजह से भोजपुरिया भौजी फंस चुकी हैं। अगर वो थोड़ी ज्ञानी होती, यानी कि पढ़ी लिखी होती, तो शायद ऐसी सब चीज़ों में वो इस तरह से आज उनको अपना घर छोड़ के भागना नहीं पड़ता। तो मैं उनके बारे में बात करूंगी। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस आए देखे और उनका भी देखा। पहले मैंने उनका विरोध किया क्योंकि वो जहाँ गलत थी उसको मैंने गलत बोला, लेकिन अब वहाँ की प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन एक महिला के साथ बहुत गलत कर रही है। और नाचना गाना वीडियो बनाना उनका पैसा है भाई, वो लोग करते हैं, कमाते हैं, कमाएंगे नहीं तो कौन उनको खाने को दे जाएगा? वो अपना गा रही है, बजा रही है, वीडियो बना रही है, वो सब साइड में रखिए। क्या वीडियो आ रहा है, कैसा वीडियो आ रहा है भाई, रोजी रोटी चलाने के लिए वो लोग अपना कर रही है, वो भी कर रही है, तो उसको साइड में रखते हैं। बात मुद्दे की है, वन सेकेंड। मुद्दे की बात तो ये है, वहाँ की प्रशासन जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, ये मुझे गलत लगा। अरे भाई, आपको इतने सारे क्रिमिनल हैं उत्तर प्रदेश में, मर्डर करके घूम रहे हैं खुलेआम, बलात्कारी घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े चोर बदमाश, उनको छोड़ के एक मासूम महिला के पीछे आप सभी हाथ धो के पड़ गए हैं। बेचारी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, अपनी तीन तीन बेटियां छोड़ के वो गली गली भटक रही है। अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता है तो प्रशासन उसका जवाबदार होगा? ऐसा तो उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है। जो पुलिस बार बार उसके घर पे जा रही हैरान कर रही है, उसकी बेटियां अकेले घर में हैं। हाँ, वैसे तो हमें जहाँ तक पता है यूपी गुंडा राज है, अकेली बेटियों को घर में रहना कितना बड़ा रिक्स है उस माँ के लिए। वो माँ कैसे रहती होगी जिसकी तीन तीन बेटियाँ अकेले घर में रह रही हैं, पति भी भागा भागा घूम रहा है, माँ बाप दोनों भागे भागे घूम रहे हैं, बेटियाँ अलग हैं। मैंने कल उसका वीडियो देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, मेरा दिल बिल्कुल भर आया कि एक माँ अपनी बेटियों को छोड़ के सब कुछ होते हुए भी बेवजह, थोड़ी सी बड़बोले की वजह से आज फंस चुकी है और गली गली घूम रही है, और वो डर चुकी है। बाकी बहन, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो तुमने इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं किया है, तुम कोई आतंकवादी नहीं हो, तुमने कोई मर्डर नहीं किया है, तुमने कोई चोरी नहीं की है, तुमने कोई डकैती नहीं की है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। ये तुम्हारा छोटा मोटा केस है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम हिम्मत करो और जाओ।
तुम जाओ हाजिर हो, इस तरह से कब तक भागी भागी घूमोगी, और इसमें तुम्हारी कोई भी बदनामी नहीं हो जाएगी, और पुलिस प्रशासन क्यों तुमको जेल में करेगी, ऐसा तुमने कौन सा कांड किया है कि जो तुमको जेल हो जाएगा। बड़े बड़े कांड करके लोग फ्री फंड जमानत करा के घूम रहे हैं, ऐसा तुमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, मुझे तो नहीं देखने में आया, बस इतना सुनने में आ रहा है कि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं दूर बैठी हूँ, मैं गुजरात में हूँ, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, आपका सुन रही हूँ, दूसरों का सुन रही हूँ, उस पे उस वेजिस पे मुझे तो कहीं भी नहीं लगता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कोई केस हो। ये लोग डरा रहे हैं तुमको, तुम डरो मत, डट के सामना करो, तुमको जेल वेल कुछ नहीं होगी। अगर तुम सही हो तो तुम जाके हाजिर हो, अगर तुम सही हो तो जितनी भी यूट्यूबर महिलाएं हैं वो सब तुम्हारे साथ जेल जाने को तैयार हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगी गुजरात से, तुम्हारे साथ जेल जाऊंगी, अगर तुम सही हो, तुम्हारी कहीं गलती नहीं है। हाँ, छोटा मोटा तुमने अगर कहीं गलती की भी है तो इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है कि तुमको जेल हो जाएगा बहन। हाँ, इस तरह से भागने से कोई भी निर्णय नहीं आएगा। अगर तुमसे तो मुझे पता है तुम्हारे बोलने में ही गड़बड़ हुई होगी, तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, प्रशासन ने लंबा चौड़ा लगा दिया, उनका तो काम ही है। हाँ, महिला, ये यूपी सरकार महिला विरोधी सरकार हो चुकी है, महिलाओं के पीछे ही लग जाते हैं। अरे जब हाथरस कांड हुआ था, बेटी को रातों रात जला दिया, हाँ, जब सरेआम चुनाव में चीर हरण हुआ एक महिला का, दो महिलाओं का, तब ये प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी। एक महिला जो बेचारी कोई भी गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रशासन की डर की वजह से, पुलिस की डर की वजह से, योगी सरकार की वजह से वो गली गली भटक रही है, भाग रही है, इतना सब ने उसको डरा दिया है। तुम डरो मत, तुम सीना ठोक के हाजिर हो, और सारी महिलाएं तुम्हारे साथ हैं इस मैटर में। जय हिंद।